हेलो स्टूडेंट्स, सो अकाउंट्स का आज हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारा बिजनेस हमारी फर्म का हमें खत्म करना होता है। तो बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड। ओके, तो जब हमें अपना बिजनेस खत्म करना चाहते हैं तो हम उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। इससे पहले जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, एडमिशन, रिटायरमेंट, वो हम पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दोनों में देखो चेंजेस है, पार्टनरशिप फर्म का खत्म होना और पार्टनरशिप का खत्म होना, बोथ द केसेस आर डिफरेंट। हमने एक नया बिजनेस शुरू किया, दो पार्टनर थे, एक पार्टनर और आ गया, एडमिशन हो गया एक पार्टनर का, तो क्या हुआ, पुरानी वाली पार्टनरशिप खत्म हो गई, लेकिन बिजनेस अभी भी चल रहा है क्योंकि एक नया पार्टनर आ गया। जैसे ही वो नया पार्टनर आया, उसके बाद एक और पार्टनर जो है, अब तीन पार्टनर हो गए, तीन में से एक पार्टनर चला गया, रिटायर हो गया, अगेन पार्टनरशिप चेंज हो गई, रिकंस्टिट्यूशन हुआ बिजनेस का, आपकी पार्टनरशिप फर्म का, बट खत्म क्या हुआ, सिर्फ पार्टनरशिप, बिजनेस नहीं। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस जब खत्म होता है, आपकी पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है, तब क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्लास। देखो दोनों में डिफरेंस है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अगर हम पार्टनरशिप की हम बात करें तो वो तब खत्म होती है अगर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रिलेशन जो है पार्टनर्स का चेंज करना हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें उनका चेंज करना हो। अगर एक नया पार्टनर आ जाएगा तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, अगर एक पार्टनर रिटायर हो गया तो आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, क्लियर, नई पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। बट डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म जो है वो किस किस केस में हो सकता है, कि अब आप बिजनेस ही खत्म करना चाहते हो, आप वो काम ही नहीं करना जो आपने डिसाइड किया था, तो या तो आप सारे पार्टनर्स मिलकर म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, म्यूचुअली एग्री करते हैं कि हाँ हमें अपना बिजनेस खत्म करना है, तो आप खत्म कर सकते हैं, या कोई कंपल्सरी डिसोल्यूशन का केस आ जाता है कि फिर डिसोल्यूशन करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, आपके पास कर्ज में डूब चुके हो रहे हैं, तो आपको खत्म करना ही पड़ेगा, या आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आपको खत्म करना है अपना बिजनेस, एक साल बाद आपको खत्म करना है, तो आपको खत्म करना पड़ेगा, यू हैव टू डिसॉल्व इट, ओके, बाय नोटिस और एनी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट या डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अगर मान लो कोर्ट आपको कोई नोटिस दे देता है कि आपको बंद करना पड़ेगा, तो आपको बंद करना पड़ेगा, बिकॉज आप मे बी शायद कोई ऐसा काम कर रहे हो जो अगेंस्ट लो हो, सोसाइटी को आप कोई नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर यू नो इन द आईज ऑफ लॉ, इफ दे विल सी कि कुछ गलत हो रहा है, तो वो आपको नोटिस भेज देंगे, और अगर वहां से नोटिस आता है तो आपको अपना फर्म, अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। कोई भी इवेंट अगर हो जाता है ऐसा जो बहुत ही यू नो जिसकी वजह से आपको बंद करना पड़ सकता है, या कोई नेचुरल चीज आ गई, तो फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म देयर आर दीज काइंड ऑफ मोड्स व्हिच वी हैव टू कंसीडर। नाउ क्लास, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि फर्म को हमें बंद करना है, डिसॉल्व करना है, और उसका मतलब क्या है, लेकिन डिसॉल्व करते वक्त क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है वो हम यहाँ पे सीखेंगे, जो कि एडमिशन और रिटायरमेंट से टोटली डिफरेंट है। ओके, अभी तक जो है एडमिशन में करते आ रहे, रिटायरमेंट में करते आ रहे, वो अब यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि अब सब कुछ खत्म करना है। तो जब देखो एक ऐसी सिचुएशन पे आप आ जाते हो ना, जब आपको अपना बिजनेस पूरा खत्म करना होता है, तो आप क्या करते हो, जितने आपके बिजनेस के अंदर एसेट्स हैं उनको आप बेचते हो, सेल करते हो, और उनके बदले पैसा लेते हो, उसको कहते हैं रियलाइज्ड वैल्यू। उसके बाद जितनी लायबिलिटीज है उनको क्या करते हो, आप पे कर देते हो। आप बहुत सारी लायबिलिटीज है आपकी, है ना, आपकी लायबिलिटी है, आपने किसी से लोन ले रखा है वो आपकी लायबिलिटी है, आपके क्रेडिटर्स हैं वो आपकी लायबिलिटी है, इनफैक्ट आपका पार्टनर कोई लोन लेके आया वो भी लायबिलिटी है, आपका पार्टनर ने कैपिटल यहाँ पे दी है वो लायबिलिटी है, तो सारी लायबिलिटी पे करनी है। अब देखो करना इतना सारा काम है, लेकिन आप प्रायोरिटी किसको दोगे, डिसोल्यूशन वो भी डिसाइड करता है, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी आती है फर्म डेट्स की, जो आपके बिजनेस के पूरे फर्म का डेट है, कर्जा है, उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले आती है, जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी। बिजनेस आपकी फर्स्ट पार्टी हो गया, पार्टनर्स आपके सेकंड पार्टी हो गए, थर्ड पार्टी हो गए इन दोनों के अलावा बाहर का कोई इंसान, वो हो गया आपने अगर लोन लिया है किसी बैंक से या किसी ऐसे पर्सन से जो कि पार्टनर नहीं है, वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, उन लायबिलिटीज को आप सबसे पहले पे कर दो, ठीक है, जिसमें आपके क्रेडिटर्स हो गए या कोई लोन हो गया अदर देन द पार्टनर्स, वो आपको पे करना है। और उससे भी पहले क्या करना है, आपको अपने एसेट्स को बेचना है, ठीक है, जितने भी एसेट्स हैं उनको बेचो, और उन
उनका अब क्या काम, अब कोई काम नहीं है, है ना, उनको बेचो और उनके बदले पैसे जितने भी मिलते हैं उसके बदले लायबिलिटीज को पे करो। फिर आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में नेक्स्ट प्रायोरिटी में सेकंड लिस्ट में आता है आपका प्राइवेट डेट्स। प्राइवेट डेट्स होते हैं आपके जो आपके पार्टनर से जुड़े हैं, जैसे कि पार्टनर अपने नाम से कोई लोन लेकर आया है, ठीक है, या पार्टनर ने अपने नाम से आपको कैपिटल दी है, वो भी तो लायबिलिटी है ना फर्म की, उसको भी पे करना है। तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी के बाद अब आप ये दोनों कंसिडर करोगे, कैपिटल और पार्टनर का लोन। लेकिन इन दोनों में भी आप किसको पहले कंसिडर करोगे, आप पहले पार्टनर के लोन को कंसिडर करोगे, ठीक है, पहले आप पार्टनर के लोन को कंसिडर करोगे, उसके बाद फिर उसकी कैपिटल को कंसिडर करोगे। सो सीक्वेंस वाइज चलना है, पहले एसेट बेचना है, फिर थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे करनी है, फिर पार्टनर का लोन पे करना है, फिर उसके बाद कैपिटल को पे करना है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कौन कौन से अकाउंट बनाए हम, तो क्लास इसमें एक अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें अकाउंट बनते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर के नाम का जो लोन अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनता है, और उसके बाद आता है आपका बैंक और कैश अकाउंट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे बैलेंस शीट कोई नहीं बनती। देखो बैलेंस शीट क्यों नहीं बनती, उसका मतलब समझो कि बैलेंस शीट बनाने का मतलब है अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन शो करना सबके सामने कि आपके पास कितने एसेट है, कितनी लायबिलिटी है। लेकिन जब आप खत्म कर रहे हो बिजनेस पूरा का पूरा, तो किसको दिखाने के लिए आपको बैलेंस शीट बनानी है? सो देयर इज नो नीड टू मेक एनी बैलेंस शीट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन, ओनली बैंक और कैश बनाना पड़ता है। ये चार अकाउंट आप बनाते हो, और एक जो चीज थोड़ा आप ध्यान में रखते हो वो है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अभी तक जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते आ रहे हो इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें आप बैलेंस कैरेट डाउन नहीं निकालते हो, ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस कैरेट डाउन निकाल के किसी अगले साल में आपको उसको ट्रांसफर नहीं करना, तो आप क्या करते हो सीधा उनको जो है पे कर देते हो। नाउ यू हैव टू पे दोज अमाउंट टू द पार्टनर्स ऑफ योर फर्म, ठीक है। अब धीरे धीरे करके सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन देखो पार्टनर लोन अकाउंट भी आपने पढ़ रखा है कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पता है, बैंक और कैश अकाउंट बहुत टाइम से बनाते हुए आ रहे हो। जो नया अकाउंट आया है वो है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो आज हम इस क्लास में सबसे पहला अकाउंट सीखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं और वो क्या होता है। देखो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जो चीजें आती है वो आती है कि जितने भी एसेट आपको बेचने हैं ना वो रियलाइजेशन अकाउंट की मदद से बेचोगे, जितने भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो पे करनी है आपको, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो आप रियलाइजेशन की हेल्प से बेचते हो, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, कोई भी आपका थर्ड पार्टी लोन हो गया, तो वो आप जो है यहाँ इस रियलाइजेशन अकाउंट में बेचते हो। तो देखो आपको सबसे पहले करना क्या है रियलाइजेशन बनाने के लिए, आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन होगी, वो क्वेश्चन में गिवन होगी, आंसर में नहीं बना ली, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है आपको उसमें जितने भी एसेट है उनको ट्रांसफर कर दो। अब एसेट में क्या क्या ट्रांसफर होगा, आपका फर्नीचर ट्रांसफर होगा, बिल्डिंग ट्रांसफर होगा, मशीनरी ट्रांसफर होगा, लेकिन जो ट्रांसफर नहीं होगा वो ध्यान देने वाली बात है कि कैश अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, बैंक अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोई लॉस है आपके एसेट साइड में वो ट्रांसफर नहीं होंगे। इनका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि कैश और बैंक को क्यों ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन में एसेट को सिर्फ इसलिए ट्रांसफर करते हैं कि उनको बेच कर हम पैसा ले सके, तो कैश और बैंक को जो बैलेंस है उनको बेच कर कोई पैसा थोड़ी मिलेगा, तो रियलाइजेशन में इसलिए हम उनको ट्रांसफर नहीं करते, हम एक और अकाउंट बनाते हैं कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, वहां इन्हें ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। जब एसेट ट्रांसफर कर लिए उसके बाद अब आप लायबिलिटी सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर करोगे। थर्ड पार्टी लायबिलिटी में आपका क्या क्या आता है, आपका क्रेडिटर्स आता है, आपका बीपी आता है, ठीक है, ये सारे थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अब इनमें क्या क्या नहीं आता, जैसे कि आपका रिजर्व वो नहीं आप ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे, पार्टनर्स के लोन अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर नहीं करेंगे, ओनली क्रेडिटर्स बिल्स पेबल जो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी हो वो। अब आपने इनको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर के बाद दूसरी चीज क्या है, ट्रांसफर करने के बाद दूसरी चीज ये है कि अब इनका जो आपने जिस वजह से ट्रांसफर किया है वो करो। एसेट को ट्रांसफर किया था बेचने के लिए तो बेचो, बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा वो भी दिखाना पड़ेगा कि एसेट था 10,000 का, बेच दिया मैंने 12,000 का, 10,000 का ट्रांसफर किया, 12,000 का बेचा, वो दिखाओ। अब लायबिलिटी थी मेरी 8,000 की, मैंने 7,000 पे कर दी, तो 7,000 दिखाओ उसे, ठीक है, 8,000 की थी 8,000 पे कर दी, वो उसको दिखाओ।
तो ये चीजें, चार चीजें आप दिखा करते हो उसमें, और एक पांचवी चीज और है आपके रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, जिसमें हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी डेबिट करते हैं। मतलब आपको कई बार डिसोल्यूशन के टाइम पर अलग से खर्चा देना पड़ जाता है, कोई भी खर्चा हो सकता है, चाहे वो आपका लॉयर का खर्चा हो गया या कोई भी खर्चा जो डिसोल्यूशन से रिलेटेड है, वो एक्सपेंस आप रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हो एट द डेबिट साइड। नाउ क्लास, द बैलेंस इन द अकाउंट में भी इधर प्रॉफिट और लॉस लॉस, ठीक है, जो रियलाइजेशन का निकल के आएगा अमाउंट वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जो भी हो, अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों में से कुछ भी हो, आप क्या करेंगे, आप उसको जो है उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मेट देखते हैं, लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉर्मेट। फॉर्मेट में देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि सबसे पहले हमने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट में वी हैव ट्रांसफर्ड ऑल दी अकाउंट्स, ठीक है, स्टॉक अकाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया, स्टॉक आप जैसे कि आपके एसेट ट्रांसफर करोगे तो स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रीमिसेस हो गया, ये सारे आपने ट्रांसफर कर दिए। अब लायबिलिटी में क्या क्या ट्रांसफर किया, क्रेडिटर्स तक किया, बिल्स पेबल किया, बैंक लोन किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किया, ये सारे लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो आपने ट्रांसफर की। ट्रांसफर करने के बाद अब जब एसेट आप बेचोगे तो उसके बदले जो पैसा मिलेगा, डेबिट में ट्रांसफर किया था तो जो पैसा मिलकर आया वो क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब आप यहाँ लिखोगे बाय बैंक अकाउंट एसेट इतना, बाय इन्वेस्टमेंट 56,500, बाय बिल 2,500। वैसे ही लायबिलिटी जो क्रेडिट साइड ट्रांसफर की है, अगर इसको आप पे करोगे तो इसकी पेमेंट आप डेबिट साइड दिखाओगे, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल इतना, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इतना, एक्सपेंसेस आपका 15,000, बैंक लोन 40,000, ये दिखा दिया। और अगर कहीं पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हो तो वो भी यहीं पे डेबिट साइड दिखा देंगे, और बैलेंसिंग करके जो निकल के आएगा, अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड ट्रांसफर करके दिखा देना तीनों की कैपिटल अकाउंट में, और अगर क्रेडिट साइड हुआ तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर करके दिखा देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रियलाइजेशन अकाउंट विच वी मेक एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ओके, अब देखो जर्नल एंट्रीज क्या होती है, जब हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपने एसेट को तो जर्नल एंट्री होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट, या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। लेकिन अगर हम कोई भी प्रोविजन या रिजर्व को हम ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री होती है प्रोविजन और रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अगर हम कोई लायबिलिटी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी हो गई आपकी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, तो उसमें आप करते हैं लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ये तो हो गया ट्रांसफर की बात। अब पेमेंट अगर आप करोगे, ठीक है, एसेट आपने बेचा और उसका पैसा मिला तो कैश आया, किसकी वजह से आया, रियलाइजेशन। अब एसेट इज नो मोर कनेक्टेड, ठीक है, एसेट को आपको खत्म करना है, यू हैव टू वैनिश, यू हैव टू एलिमिनेट द एसेट, तो अब उसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो एसेट खत्म हो गया है, उसकी जगह पर किसने नाम ले लिया है, अब रियलाइजेशन। तो पैसा आया किसकी वजह से आया, रियलाइजेशन के नाम, ठीक है। तो जब आपने एसेट बेचा तो कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट आप एंट्री करेंगे, और अगर बैंक में आ रहा है पैसा तो बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट करोगे। लेकिन एक थर्ड केस ये भी होता है, कई बार आप जब एसेट बेचते हो तो आप कैश में ना बेचकर अपने पार्टनर्स को बेच देते हो, तो पार्टनर भी फ्री में तो नहीं लेगा एसेट, पार्टनर को भी पैसा देना पड़ेगा। पार्टनर कहाँ से देगा वो पैसा, पार्टनर देगा अपनी कैपिटल में से, तो उसकी कैपिटल से डिडक्ट करोगे आप, तो सीधा आप एंट्री करोगे उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी तो कैश तो आपका जाएगा, और किसकी वजह से गया, रियलाइजेशन की वजह से, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देन देयर कम्स द लास्ट एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है जो भी, तो प्रॉफिट अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो आप करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ अ लॉस तो आप करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। इतना करने के बाद जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, देखो वो क्या है, अगर कोई लायबिलिटी, ये भी हो सकता है कि आप किसी लायबिलिटी को पे कर रहे हैं एक एसेट के साथ,
तो अगर आप किसी लाइबिलिटी को सेटल कर रहे हो किसी एसेट के साथ, तो आप उसको उसकी एंट्री नहीं करोगे क्योंकि उसका इफेक्ट ही नहीं है कोई. मतलब एक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टॉक था और मेरे पास क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स ने बोला कि अपना स्टॉक दे दो हमें पैसा नहीं चाहिए, तो इसकी आप सेटलमेंट की एंट्री नहीं करोगे क्योंकि क्या हुआ, एक एसेट से एक लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली सेटल हो गई. सो यू विल नॉट डू दिस, नो एंट्री विल बी मेड. ओके, एज नो इफेक्ट हैज बीन मेड, कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, एसेट से लाइबिलिटी खत्म हो गई. यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोई भी एसेट, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एसेट्स हैं उनकी रियलाइज वैल्यू नहीं दी होती, जैसे कि फर्नीचर है आपका, आपका बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग तो बिक गई लेकिन फर्नीचर नहीं बिका, तो पैसा आया नहीं. जब पैसा नहीं आया तो आप उसको दिखाओगे भी नहीं, ठीक है, आप ट्रांसफर तो सारे एसेट करोगे लेकिन जिन जिन एसेट के बदले पैसा आपको मिला ही नहीं है उनको आप नहीं दिखाओगे. लेकिन लायबिलिटी के केस में ऐसा उल्टा होता है, ठीक है. लायबिलिटी केस में क्या होता है, जितनी भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है ना, वो एक चार्ज है एक तरीके का, वो पे करनी ही करनी है, ठीक है. तो आप क्या करोगे, जितना भी इंफॉर्मेशन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल तीन लायबिलिटी दे रखी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन, ठीक है. क्रेडिटर्स बता दिया कि हमने पे कर दिया, आप लिख दोगे. आपने जो है बैंक लोन भी दे दिया आपको कि पे कर दिया, आप उस अमाउंट से लिख दोगे. लेकिन अगर बिल्स पेबल की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि कितने में आपने पे किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पे नहीं करोगे, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप हट नहीं सकते हो, आपको वो पे करना पड़ेगा. तो कितने अमाउंट से पे करें, कुछ तो गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी अमाउंट का बिल्स पेबल है उतना ही उसको पे कर दो. अगर वो 5,000 का है तो 5 में पे कर दो, 10 का है तो 10 में पे कर दो, ठीक है. दैट इज व्हाट यू विल डू इन द केस ऑफ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, ठीक है. और अगर कोई नया एसेट मिलके आता है तो यू विल बी कंसिडर एज अ कैश एज रिसीविंग, आप उसको कैश मान के चलेंगे, ठीक है. अगर कोई नया एसेट है टाइम ऑफ डिसोल्यूशन आप फाइंड करते हैं तो. ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ